बिजनेस इंडस्ट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट बहुत बुरी तरह से सफर हुई है इस नोटबंदी को लेके। बिजनेस ऑलमोस्ट 20-25% रह गया है। मैं लेबर चौक पे भूखे मर रहा हूँ, पैसे नहीं है। एक महीने के हालत में गरीबी की हालत इतना खराब हुआ है, जो कि रोटी एक रूप मिलती थी वो आधी रोटी नहीं मिल पा रही है। हम लोग को काम नहीं मिल रहा, काम मिल वो करता है तो पुराने नोट मिलता है। माहौल बहुत ठंडा रहा है। क्यों? कि जब नोट जो है कहा तो नया नोट तो आया नहीं और पुराने नोट को हम लेने की क्षमता नहीं थी। क्यों? कि हमारे एटीएम या हमारे इधर खाते नहीं थे जिसमें उसको हम बुना सके बैंक को। और पुराना नोट जो है का लेने में हमको इतनी परेशानी होती थी कि माल लेने में भी वहाँ परेशानी थी। और उस दिन से हमारा धंधा भी बहुत कम हो गया है। लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। गरीब लाइनों पे लगा हुआ है, अमीर कहीं नहीं देखा गया कोई लाइन पे लगा हुआ है। काफी लोगों को दिक्कतें हो रही है नोटबंदी से। लेने देने में ग्राहक को डील करने के लिए हमें तकलीफ होती है और होता रहता है। ग्राहक 2000 का नोट दे देता है, 10-20 रुपए का 50 रुपए खाते हमें लेने देने में तकलीफ होता है। बहुत परेशानी वाला काम है ये। खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है। 2000 का नोट कहाँ से चेंज हो नहीं पाते जी। तो फिर इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? तो ये दिक्कत वाला काम है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जिसके अंदर जी। आम आदमी पे कैसी बीत सकती है? किसी खास बंदे को खड़ा देखा आपने कभी लाइन में? जो बंदा सरकारी जॉब कर रहा है ठीक है, उसके आ रहे हैं। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के बैंक में लगना पड़ता लाइन में। लाइन पे लगते हैं, जब अपनी बारी आती है तब कैश खत्म होता है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत किया गया है, क्योंकि खास आदमी के अलावा सिर्फ आम आदमी परेशान हो रहा है इसमें।